गर्मी और नमी के मौसम में स्किन इन्फेक्शन काफी बढ़ जाते हैं। आइए जानें पटना और देश के प्रसिद्ध डर्मोटोलॉजिस्ट डॉक्टर अभिषेक कुमार सिन्हा से कि त्वचा की सही देखभाल कैसे करें ताकि हमारी त्वचा निरोगी रहे। वेलकम डॉक्टर अभिषेक कुमार सिन्हा ऑन फंगल फ्री इंडिया 3.0 टॉक शो पर। डॉक्टर, सबसे गंभीर फंगल इन्फेक्शन कौन सा है? सबसे गंभीर फंगल इन्फेक्शन कहा जाता है जो कि अभी जो मैंने हमने पहले बताया सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शन से जो नॉर्मली स्किन में कर रहे थे इन्फेक्ट। गंभीर इन्फेक्शन को कहते हैं जो डीप फंगल इन्फेक्शन होते हैं जो हमारे स्किन से ज्यादा और भी इंटरनल ऑर्गन्स को डैमेज कर सकते हैं, जैसे लंग्स, ब्रेन, ये सब को इन्फेक्ट कर दे। जैसे हिस्टोप्लाज्मोसिस कहलाता है वो, एस्परजिलोसिस, इन्वेसिव कैंडिडियासिस या म्यूकोरमाइकोसिस, ये सब डीप फंगल इन्फेक्शन है जो कि हमारे बॉडी, स्किन, त्वचा, ये सबसे ज्यादा अंदर के पार्ट्स को डैमेज करते हैं। डॉक्टर, कौन से एंटीबायोटिक फंगल इन्फेक्शन का इलाज करते हैं? एंटीबायोटिक्स बहुत तरह के हैं लेकिन इसे एंटीबायोटिक्स नहीं कहते, ये एंटी फंगल्स मेनली दो फॉर्म में हम लोग बांट सकते हैं। एक तो जो हम लोग टैबलेट फॉर्म में खाते हैं और दूसरा लगाते हैं हम लोग। अगर ये डिपेंड करता है कि हमारा कितने एरिया में है, अगर एक दो एरिया में फंगल इन्फेक्शन है तो हम क्रीम से ही काम चला सकते हैं, जैसे लुलिकोनाजोल, किटोकोनाजोल, एमोरल्फिन क्रीम आती है या साइक्लोपेरिक्स ओलामिन, ये सब क्रीम आती है जो डिफरेंट ब्रांड फॉर्म में आती है। अफेक्टेड एरिया से जरा सा बाहर 2 सेंटीमीटर बाहर से अंदर की तरफ लगाएं और उसके ऊपर फिर एक पाउडर छिड़क ले, डस्टिंग पाउडर नाम से आती है जो किटोकोनाजोल या साइक्लोपेरिक्स ओलामिन डस्ट के ऊपर छिड़क ले। दूसरा आने वाला फॉर्म ये तब देना चाहिए जब एक से दो पार्ट में ज्यादा फंगल इन्फेक्शन स्प्रेड हो जाए। डॉक्टर, फंगल इन्फेक्शन बार बार क्यों होता है? ये बहुत ही सही क्वेश्चन है और ये जानना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि आजकल क्या होता है, जैसे फंगल इन्फेक्शन या इसका सबसे पहला जो सिम्टम होता है जो खुजली होती है, इचिंग कहते हैं जिसको, जैसे ही होता है हम लोग सबसे पहले जो पेशेंट होते हैं वो जाते हैं फार्मेसी दुकान के पास और बोलते हैं हमें खुजली हो रही है, और वो सबसे पहला क्रीम वो देता है जो कि कॉम्बिनेशन ड्रग्स होता है, स्टेरॉइड और अदर ग्रुप्स ऑफ ड्रग्स, एंटीबायोटिक, तो वो लगाते हैं, तुरंत खुजली कम हो जाती है और वो फिर बढ़ते चली जाती है। अब फंगल इन्फेक्शन कभी ठीक नहीं होता, पेशेंट को क्या लगता है कम क्रीम लगाए थे तो और ज्यादा क्रीम एक बार फिर से लेके आते हैं, इस तरह से ऐसा लगाने से वो बार बार फंगल इन्फेक्शन बढ़ता चला जाता है। डॉक्टर, मानसून के दौरान फंगल इन्फेक्शन से कैसे बचे? मानसून के दौरान हमें फंगल इन्फेक्शन बचने कुछ पर्टिकुलर ध्यान देने हैं। हमें अपने कपड़ों को काफी सूखा रखना है पहला बात, और अपने आप को भी ड्राई रखना है। हम लोग को टाइट क्लॉथ पहनना काफी कम करना है और शूज भी काफी टाइट नहीं पहनना। अपने नाखून को साफ रखें, शॉर्ट रखें और साफ सुथरा रखें। अपने कपड़ों को क्लीन करके पहने और आयरन करके जरूर पहने। अपने अंडरवियर हो सके तो अब देखा जा रहा है वी शेप न पहने, उससे अच्छा बॉक्सर्स का उपयोग करें। जैसे हम लोग जानते हैं हमारा कंट्री ट्रॉपिकल कंट्री है जो बहुत ही गर्म कंट्री है, उसमें जीन्स का प्रयोग ज्यादा ना करें क्योंकि वो काफी टाइट होता है और उसके वजह से नमी वहाँ ज्यादा बनती है और इसके वजह से फंगल इन्फेक्शन और भी बढ़ने लग जाता है। डॉक्टर, फंगल इन्फेक्शन के बारे में बताएं। फंगल इन्फेक्शन को टीनिया कहते हैं जो माइकोसिस भी कहलाता है। ये स्किन, हेयर, नेल और अपने म्यूकस मेम्ब्रेन को भी इन्फेक्ट कर सकता है। ये देखा गया है उनमें ज्यादा कॉमन है जिनका थोड़ा इम्यून सिस्टम भी कमजोर होता है और जो बहुत टाइट कपड़े पहनते हैं उनमें ज्यादा कॉमन है, और किसी वेदर में ज्यादा पर्टिकुलरली फाइंड आउट होता है जैसे कि गर्मी या फिर बरसात मौसम के आसपास। कुछ टाइप के कॉमन फंगल इन्फेक्शन है जो हम लोग रोज देखते हैं जिसे कहते हैं जॉकिच, एथलीट फुट, रिंग वर्म या ओनाइकोमाइकोसिस। कुछ अलग अलग नाम भी हम लोग देते हैं डिपेंड किस एरिया को इन्फेक्ट किया है। अगर ये बॉडी को इन्फेक्ट किया है तो उसे टिनिया कॉर्पोरिस कहते हैं। सर में अगर फंगल इन्फेक्ट हो जाए तो टिनिया कैपिटिस होता है। अगर नाखून में हो जाए तो उसे ओनाइकोमाइकोसिस भी कहा जाता है। गर्मी और नमी के मौसम में स्किन इन्फेक्शन काफी बढ़ जाते हैं। आइए जानें पटना और देश के प्रसिद्ध डर्मोटोलॉजिस्ट डॉक्टर अभिषेक कुमार सिन्हा से कि त्वचा की सही देखभाल कैसे करें ताकि हमारी त्वचा निरोगी रहे। वेलकम डॉक्टर अभिषेक कुमार सिन्हा ऑन फंगल फ्री इंडिया 3.0 टॉक शो पर। डॉक्टर, सबसे गंभीर फंगल इन्फेक्शन कौन सा है? सबसे गंभीर फंगल इन्फेक्शन कहा जाता है जो कि अभी जो मैंने हमने पहले बताया सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शन से जो नॉर्मली स्किन में कर रहे थे इन्फेक्ट। गंभीर इन्फेक्शन को कहते हैं जो डीप फंगल इन्फेक्शन होते हैं जो हमारे स्किन से ज्यादा और भी इंटरनल ऑर्गन्स को डैमेज कर सकते हैं, जैसे लंग्स, ब्रेन, ये सब को इन्फेक्ट कर दे। जैसे हिस्टोप्लाज्मोसिस कहलाता है वो, एस्परजिलोसिस, इन्वेसिव कैंडिडियासिस या म्यूकोरमाइकोसिस, ये सब डीप फंगल इन्फेक्शन है जो कि हमारे बॉडी, स्किन, त्वचा, ये सबसे ज्यादा अंदर के पार्ट्स को डैमेज करते हैं। फंगल फ्री इंडिया 3.0 इज अ पब्लिक अवेयरनेस इनिशिएटिव बाय हेल्दी इंडिया।